नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा सरकार ने एक नया पत्र जारी किया भाई सभी डिपार्टमेंटों को, और सख्ती से जॉब आदेश देने का काम किया गया है। बस जितने भी कर्मचारी रेगुलर पॉलिसी के तहत जॉब लगाने का काम किया गया था, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कच्चे कर्मचारी लगाए गए हैं, किस प्रकार से लगाए गए हैं, कब कब लगाए गए हैं, तो इस प्रकार से जो पूरा परफॉर्मा जो है दे दिया है, जिसके तहत जो सख्त हिदायत दी हैं कि जल्द से जल्द जो इस परफॉर्मे को फील करके भेजने का काम किया जावे। आप साथी ने दिखाई दें सारी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले अगर आप साथी अपने चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी, वह कच्चे कर्मचारी हों, हरियाणा कौशल निगम हो, या पक्के कर्मचारी हों, या हरियाणा सरकार की कोई स्कीम या लेटर हो, तो उसके बारे में जो है आप साथियों को अपने चैनल के ऊपर बस सारी जानकारी जो है देने का काम किया जावे। तो ये देख लीजिए साथियों, इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन महंगी है, अनेक्सर ए है भाई, इसके अंदर जो ग्रुप बी की पोस्टें हैं, ग्रुप सी की हैं और ग्रुप डी की पोस्टें हैं। इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, भाई यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो डाल दिया है, वह रेगुलर अपॉइंटमेंट कितनी करी गई है HPSC के द्वारा और HSC के द्वारा 1980 से लेके 2000 लग, वह कितनी पोस्टें जो है फिलअप करी गई हैं डिपार्टमेंटा में, ग्रुप बी की है, सी की है और डी की है। तो यहाँ पे जो है ब्यौरा जो है फिलअप करना है। उसके बाद में जो है कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जो है कितना जो है सटे होया हो किसी के ऊपर है, या फिर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा जो वैकेंसियां निकाली गई थी उनकी डिटेल मांग ली भाई। भाई किसी के ऊपर जो है कोर्ट ने भाई आदेश दिया हो वह रोकनी है, या कोर्ट ने नू कहा भाई निकालनी है, और कितने की एडवर्टाइजमेंट करी गई उसकी डिटेल मांग ली गई भाई 1980 से लेके 2000 के बीच में। उससे आगे आ गई भाई 2000 से लेके 2014 लग, इसके बीच में जो है कितनी वैकेंसियाँ फिलअप करने का काम किया गया रेगुलर अपॉइंटमेंट के द्वारा। और उससे आगे जो भाई इनकी वही डिटेल मांग ली भाई, कितनी एडवर्टाइज की जरूरी हुई और कोर्ट ने किसके ऊपर जो भाई आदेश दिए या कोई रोकने का काम किया गया और उसके विपरीत निकाली, तो उसके बारे में जानकारी मांग ली गई। उससे आगे जो भाई कितने कर्मचारी भाई जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर लगाए रखे हैं या एडोक बेस पर जो भाई लगाने का काम कर रखा है, उसके बारे में जानकारी मांग ली गई, वह ग्रुप बी के तहत हैं, ग्रुप सी के तहत हैं, या ग्रुप डी के तहत हैं। उससे आगे जो है कितनी जो एडवर्टाइजमेंट करी गई है जो कॉन्ट्रेक्चुअल या अंगेज एडोक बेस पर जो कर्मचारी लगाए गए हैं उनकी कोई एडवर्टाइजमेंट करी गई थी, या किस प्रकार से जो है लगाने का काम उनको किया गया है। और उससे आगे जो भाई 2014 के अंदर जो रेगुलर पॉलिसी आई थी उसके तहत जो है कितने पर्सन को जो है लगाने का काम किया गया है, ठीक है, तो उनकी जानकारी मांगी गई है। क्योंकि भाई कोर्ट के अंदर जो है केस चल रहे हैं और कोर्ट के ने जो है आदेश दिए हैं कि सारे कर्मचारी जो है डिटेल प्रोवाइड करवाई जावा है, क्योंकि बहुत सारे साथी 2014 की पॉलिसी के तहत पक्के नहीं हो पाए थे। तो उसी जीवल हैं जो रेगुलर यानी कि भाई जो सेंक्शन पोस्टों के तहत लगाने का काम किया गया है रूल के अकॉर्डिंग, तो उस प्रकार से उनकी डिटेल मांग ली भाई। कितने एम्प्लॉय जो भाई इससे बाहर हो चुके हैं उनकी डिटेल मांग ली गई है भाई, किस रीज़न से जो वो रेगुलर नहीं हो पाए उनकी डिटेल मांग ली है भाई। उससे आगे जो वह स्टेट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो वह कितने कर्मचारियों को जो भी इसके तहत पर रखने का काम किया जावा है, जो स्टेट की जो पॉलिसियां हैं। और उससे आगे जो वह बहुत सारी और भी डिटेल मांगी गई है, वह कच्चे कर्मचारियों को डिपार्टमेंटों के अंदर जो है रखना क्यों ज़रूरी है, ऐसी क्या चीज़ की ज़रूरत है, वह कच्चे कर्मचारियों के लिए जो है अगर रखा गया है तो किस वेश में रखा गया है, और किस प्रकार से आगे जो है रखा जाना चाहिए, तो इस प्रकार से सुझाव भी मांगे भाई। अगर कोई इस प्रकार की डिटेल और सुझाव देता है उसके लिए जो है अलग से परफॉर्मा तैयार करके उसके ऊपर भी जो है एक्सप्लेन करने का काम कर सका है, वह किस प्रकार से जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं या टेम्परेरी बेस पर अपॉइंटमेंट करे गए हैं, या कोर्ट के द्वारा कोई स्टे किया गया है, या कोई एडवर्टाइजमेंट करी गई है, तो इस प्रकार से बहुत सारी जो डिटेल है उसके लिए भी इन्होंने जानकारी मांग ली भाई हरियाणा सरकार ने। और इस प्रकार से जो है ताज़ा पत्र भेजा है आज की डेट में इस प्रकार से। और यहाँ पे जो भी साफ साफ लिखा गया है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दे रखे हैं 29/8/2024 को जो वह तारीख है सुप्रीम कोर्ट की। और यहाँ पे जो 2014 रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत जो साथियों ने कोर्ट केस कर रखा था
और इस प्रकार से जो इन्होंने डिटेल मांग ली कि जल्द से जल्द जो परफॉर्मा आवे फिलअप करके और जल्द से जल्द जो डिपार्टमेंटों के तहत लेकर और उसको जो है भेजने का काम किया जावा है, जिससे जो सुप्रीम कोर्ट की जो डेट है भाई उस टाइम जो हरियाणा सरकार इनको जो दिखाने का काम कर सका है, क्योंकि किसी टाइम भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी मांगने का काम कर सका है। तो इस प्रकार से आप साथ लगे यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे भाई। इस प्रकार से आपके डिपार्टमेंट वाइज जो है डाटा जो है आज की डेट में पहुँचना शुरू हो चुका है और जल्द ही जो है सरकार के पास पहुँच जाओगा, क्योंकि आगे फिर दो तीन दिन की छुट्टी है, फिर डिपार्टमेंटों के अंदर जो है डिले नहीं हुआ है, इसीलिए जो है सख्त आदेश दिए हैं। और सरकार ने यह भी बोलिया है अगर कोई इस आदेश को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाओगा। यो परफॉर्मा फिलअप करके भेजना है, भेजना भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 29/8/2024 ने जो भाई कोर्ट के अंदर जो भाई परफॉर्मा देने का काम किया जाओगा। आप साथ लगे यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। आप साथ ने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।